एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल फैशन स्टाइल एंड ग्लैमर। ये वीडियो गर्ल्स के लिए काफी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स उन गर्ल्स के लिए जिन्हें सूट्स एंड कुर्तीज पहनना बहुत पसंद है, उनके कलेक्शन में किस तरीके की एक्सेसरीज होनी चाहिए जो कि उनकी हेल्प करेंगे एक्स्ट्रा अटेंशन ग्रैब करने। इस वीडियो में मेनली फोकस रहेगा उन आइटम्स के ऊपर में जो कि गर्ल्स के लिए नेसेसिटीज हैं, जैसे कि इयररिंग्स, बैंगल्स, फुटवेयर एंड क्लचेस। गर्ल्स ये चाहती हैं कि वो कुछ यूनिक और स्टाइलिश वेयर करें जिससे कि वो औरों से अलग दिखे। के लिए उनके कलेक्शन में जरूर होनी चाहिए ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आजकल काफी ट्रेंड में है और काफी गर्ल्स एंड वुमेन्स की फर्स्ट चॉइस है। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको काफी वैरायटी मिल जाती है। अगर आप प्लेन स्टड्स पहनना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, आप चांद बालीज ले सकते हैं, इसके अलावा आप झुमकी इयररिंग्स भी ले सकते हैं। इन ज्वेलरी पीसेस को आप सेमी फॉर्मल और कैजुअल दोनों ही अटायर्स के साथ वेयर कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं एक स्टाइलिश लुक। दीज ज्वेलरी पीसेस एड्स चार्म्स एंड एलिगेंस टू योर ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। साथ ही साथ अगर आप रिंग पहनने के भी शौकीन हैं तो आप इस तरीके की सिल्वर ऑक्सीडाइज रिंग्स भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफी कूल और ट्रेंडी लगती हैं। काफी सारे सेलिब्रिटीज को भी इस तरीके की रिंग पहने हुए देखा गया है जो कि काफी ऑसम लगती हैं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की सबसे खास बात ये है कि वो किसी भी कलर की आउटफिट के ऊपर में बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करती है, खासकर व्हाइट, ब्लैक, नेवी ब्लू या किसी भी डार्कर कलर की आउटफिट पे ऑसम लगती है। इसलिए जब भी आप कंफ्यूज हों या आपको समझ में नहीं आए कि आपको क्या वेयर करना है, आप आराम से वेयर कर सकते हैं सिल्वर ज्वेलरी अपनी किसी भी आउटफिट के साथ में, किसी भी कलर के आउटफिट के साथ में। इसके बाद आपके पास इस तरीके के होने चाहिए ब्लैक मेटालिक इयररिंग्स। ब्लैक मेटल के इयररिंग्स काफी अच्छे लगते हैं और ये काफी सारे ड्रेसेस के साथ में आपके बहुत अच्छे से मैच हो जाते हैं। इसके अलावा मिरर वाले मेटालिक इयररिंग्स भी जरूर ट्राई करिएगा, ये भी काफी अच्छे दिखते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा पर्ल वाले इयररिंग्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा लुक क्रिएट करते हैं, खासकर आपके हैवी सूट्स के साथ में। पर्ल इयररिंग्स आप व्हाइट पर्ल्स के साथ में भी ले सकते हैं, इसके अलावा मल्टी कलर के पर्ल्स के साथ में भी बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। पार्टीवेयर लुक की बात करें तो पार्टीवेयर लुक क्रिएट करने के लिए आपके पास गोल्डन कलर की चांद बालीज भी जरूर होनी चाहिए आपके कलेक्शन में। इससे आप पार्टीवेयर लुक क्रिएट कर सकते हैं, आप लॉन्ग चांद बालीज वेयर कर सकते हैं जो कि फुल लेंथ में आती है। इसके अलावा आप शॉर्ट चांद बालीज भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही काफी अच्छा लुक क्रिएट करती हैं। अगर आप इनको अपने प्लेन से और सिंपल से आउटफिट के साथ में भी कैरी करते हो तो आपका एक पार्टीवेयर वाला स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव लुक क्रिएट हो जाता है। आप चाहो तो कोई भी अपने लिए ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इयररिंग की कैटेगरी में आती है इस तरीके के ब्लैक स्टड्स। ये स्टड्स भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, अगर कुछ सिंपल पहनना चाहती हैं तो आप इस तरीके के स्टड्स को जरूर ट्राई करिएगा। ये आपको प्रोवाइड करेंगे एक सिंपल एंड एलिगेंट लुक और आपकी हर एक ड्रेस के साथ में बहुत ही आराम से मिक्स एंड मैच हो जाएंगे। स्टड्स के साथ में आप इस तरीके के डायमंड के स्टड्स भी अपने कलेक्शन में जरूर ऐड करिए, काफी सिंपल और एलिगेंट लगते हैं। डेली वेयर एंड सिंपल लुक के लिए ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप इस तरीके के टॉप्स भी अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, आप राउंड शेप में इन्हें बाय कर सकते हैं, इसके अलावा स्क्वायर शेप में भी ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छे लगते हैं आपके डेली वेयर के लिए और सिंपल एंड क्लासी लुक के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो की है बैंगल और कड़े। ये सारी गर्ल्स को अपना लुक अधूरा लगता है अगर वो अपने सूट्स के साथ में कड़े और बैंगल्स वेयर ना करे तो। बैंगल्स एंड कड़े ऐसे होते हैं जो की आपके पास होनी ही चाहिए और जो की आपके हर एक सूट्स के साथ में मैच करते हैं। सिल्वर कलर के इस तरीके के बैंगल्स अगर आपके पास में होती हैं तो आप इनको किसी भी तरीके के सूट्स के साथ में वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टी कलर की भी बैंगल्स ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेन ब्लैक कलर की बैंगल्स भी अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप बैंगल्स वेयर करना नहीं चाहते तो आप सिल्वर ऑक्सीडाइज कड़े भी ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ सिंपल वेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पतले कड़े चाहते हैं तो आप इसमें पतले वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रॉड कड़े भी इस तरीके में मिल जाएंगे। बात आती है फुटवेयर की कि आपको सूट के साथ में कौन से ऐसे फुटवेयर हैं जो कि आपके पास मस्ट हैव होने चाहिए, वो हैं जूतीज। जूतीज आप चाहे कुर्तीज पहने, सलवार सूट पहने, इसके अलावा प्लाजो सूट्स पहने, सबके साथ में जूतीज बहुत ही अच्छी लगती हैं। मार्केट में डिफरेंट कलर्स, डिजाइंस और पैटर्न की जूतियाँ अवेलेबल हैं और साथ ही साथ अगर आप कुछ पार्टीवेयर लुक क्रिएट करना चाहते हो तो एक ट्रेंड और चला हुआ है कि जिस कलर की आपने जूतीज वेयर करी है उसी कलर का आप क्लच भी कैरी कर सकते हो। उसी कलर का क्लच आपको इजीली मिल जाएगा, आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपके लोकल मार्केट में भी जूतीज से मैचिंग क्लच आपको मिल जाएगा। चाहो तो कहीं से भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिंपल क्लचेस की बात करें तो आपको अपने कलेक्शन में एक ब्लैक एंड गोल्डन कलर का क्लच जरूर ऐड करना चाहिए। दोनों ही कलर ऐसे हैं जिन्हें आप किसी भी कलर के आउटफिट्स के साथ में इजीली कैरी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये थे कुछ एसेंशियल एक्सेसरीज जो कि सभी गर्ल्स की वार्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो और आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो को पसंद आई हो तो मेक श्योर इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड साइड में बने हुए बेल बटन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोडेड है इसी तरीके की। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।